नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम सेकंड लास्ट थ्योरम करने जा रहे हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की, जिसमें ये कहा गया है कि एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप इज आईडीपी ऑफ इट्स साइलो सब ग्रुप्स। यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी ग्रुप है वो फाइनाइट है और एबिलियन है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही है तो वो इनडायरेक्ट प्रोडक्ट होगा अपने साइलो सब ग्रुप्स का, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा अपने साइलो सब ग्रुप्स का। आईडीपी मतलब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। और इस थ्योरम को एक अलग तरीके से भी पूछा जाता है, इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके। वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द ईडीपी ऑफ इट्स साइलो सब ग्रुप्स। अगर हमारे पास में फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है कोई भी जी, तो वो आइसोमॉर्फिक होगा ईडीपी ऑफ इट्स साइलो सब ग्रुप्स। अब ये दोनों जो डेफिनेशंस हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं। आपने इससे पिछले थ्योरम में कर रखा है, इससे पिछले नहीं, एक मैंने आपको थ्योरम कराई थी जहां पर मैंने रिलेशनशिप बताया था ईडीपी और आईडीपी, यानी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बीच में, कि हमारे पास में अगर हमारे पास में जी जो है वो एक्सप्रेसिबल है एज अ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स नॉर्मल सब ग्रुप, तो हमारे पास में जी जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा ईडीपी ऑफ इट्स नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो अगर हम जी को आईडीपी ऑफ इट्स साइलो सब ग्रुप्स लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आइसोमॉर्फिक हो जाता है ईडीपी के। यानी कि एक दोनों में से कोई भी एक थ्योरम प्रूफ कर देंगे तो वो मोर देन इनफ होगा, क्योंकि दोनों बेसिकली एक ही स्टेटमेंट है जिसको हल्का सा ट्विस्ट करके बोला गया है। तो एग्जाम में दोनों में से आपको कोई भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। चलिए इसका प्रूफ जो है मैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। हमें दे रखा है जी जो है वो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। लेट जी बी अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, ये हमारे पास में एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। अगर फाइनाइट है तो इसका एक ऑर्डर होगा, फिक्स नंबर। लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। हमें पता है कि हम हर एक नेचुरल नंबर को पावर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास में 6 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, यानी 2 to the power 1, 3 to the power 1। अगर हमारे पास में सपोज कोई नंबर है 24, तो हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। यहाँ पर क्या हो गया, ये 2³ × 3। तो इस तरह से हम हर एक नेचुरल नंबर को पावर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास में ये जो n है उसको जब हम पावर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, सपोज वो कुछ ये आ रहा है p₁ α₁, p₂ α₂ एंड सो ऑन pm α m। सपोज हमारे पास में ये चीज ऐसे आ रही है और हमने इसको एक्सप्रेस कुछ इस तरह से करा है कि ये सभी के सभी जो प्राइम्स हैं वो आपस में डिस्टिंक्ट हैं, वेयर pi's आर ऑल डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ये सभी जो हैं वो अलग अलग प्राइम्स हैं। इसी के साथ साथ में आप क्या देख रहे हो, हर एक जो पी आई अल्फा आई है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, बट इसकी जो एक डिग्री हायर पावर है यानी पी आई अल्फा आई प्लस वन, ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब बाय साइलोस थ्योरम यहां पर सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, साइलो पी सब ग्रुप्स। देयरफॉर बाय साइलोस फर्स्ट थ्योरम देयर एग्जिस्ट साइलो सब ग्रुप्स ऑफ जी। यहां पर साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे जी के, से हम उन्हें नाम दे देते हैं H1, H2 एंड सो ऑन HN, जिनका ऑर्डर क्या है, हमारे पास में p₁ α₁, p₂ α₂ एंड सो ऑन pm α m। ये आ गया हमारे पास में।
अब यहाँ से मैं बहुत सारी पिछली थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली पिक करने वाली हूँ, इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको ये जो टॉपिक हो रहा है इससे रिलेटेड सभी चीज़ें अच्छे से पता हो, क्योंकि अगर इसके पिछली चीज़ें आपको पता नहीं रहेंगी तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट जो है थ्योरम को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, सिंस जी इज एबिलियन, हमारे पास में जी जो है वो एबिलियन है, अगर हमारे पास में ग्रुप एबिलियन होता है तो उसका जो हरेक सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है। यह हमने थ्योरम कर रखी है जब हमने ग्रुप थ्योरी करा था तब, सिंस एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, हर एक जो सब ग्रुप है जी का वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया हमारे पास में, बिकॉज जी इज एबिलियन, यहाँ पर सेंस नहीं आएगा, सिंस जी इज एबिलियन देयरफॉर सब ग्रुप ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, देयरफॉर ऑल एच आईज आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी, जितने भी एच आईज हैं ये सभी के सभी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाते हैं जी के। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप अगर हो गए हैं जी के, इसका मतलब कि ये सब के सब क्या है, यूनिक है, ऐसा ऐसे सिर्फ एक ही, मतलब हर एक जो सब ग्रुप है जैसे H1 है तो वो एक इकलौता सब ग्रुप है साइलो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है वो P1 अल्फा 1 है, H2 जो है वो इकलौता ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो P2 अल्फा 2 है, क्योंकि हमने ये वाली थ्योरम कर रखी है साइलो P सब ग्रुप्स के अंदर ही, अ सब ग्रुप अ साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल If and only if it is unique, अगर वो यूनिक होगा तो वो नॉर्मल होगा, और अगर वो नॉर्मल है तो वो यूनिक होगा। यहाँ पर ये सभी के सभी नॉर्मल सब ग्रुप्स हो गए हैं जी के, इसका मतलब ये सब के सब जो हैं वो यूनिक सब ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर पी आई अल्फा आई है। अब हमें ये शो करना है, टू शो जी इज अ जी इज IDP of its normal subgroups. G जो है वो internal direct product है अपने normal subgroups का। तो इसके लिए भी मैं generalization criteria जो मैंने आपको करवा रखा है उसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, जहां पर मैं ये show करने वाली हूँ, we will show that first तो हम ये show करेंगे कि G जो है उसको आप product of these सब ग्रुप्स लिख रहे हो, और सेकेंड जो कंडीशन आप प्रूफ करोगे वो ये है कि एच आई इंटरसेक्शन एच वन एच टू एंड सो ऑन, एच आई माइनस वन एच आई प्लस वन एंड सो ऑन, एच एम जो है ये आपके पास में एक ऐसा सेट आ रहा है जिसके अंदर खाली आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। तो हमें ये दोनों चीजें प्रूफ कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास में डायरेक्टली जी जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा इन सभी साइलो सब ग्रुप्स का। ये चीज मैं आपको प्रूफ नहीं करी हूँ, मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट और सेकंड जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ये मैंने आपको दो साइलो सब ग्रुप्स के लिए प्रूफ करके दिखाया है, और मैंने आपको ये बताया था कि इसका जनरलाइजेशन होता है जिसमें ये एन नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप्स के लिए ट्रू होती है एक चीज, और उसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इसको कुछ इस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। लेट हमें दोनों प्रूफ करना है कि ये और ये इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास में एक ऐसी सेट आ रही है जिसके अंदर खाली आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम इससे उल्टा मान के चलते हैं। लेट जी बिलोंग्स टू एच आई इंटरसेक्शन एच वन एच टू एंड सो ऑन, एच आई माइनस वन एच आई प्लस वन एंड सो ऑन एच एन। अगर G इस इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि G जो है वो इन दोनों में बिलोंग करेगा, G जो है वो एच आई के अंदर भी बिलोंग करेगा, एंड G बिलोंग्स टू एच वन एच टू एंड सो ऑन, एच आई माइनस वन एच आई प्लस वन एंड सो ऑन एच एम, ये आ गया हमारे पास में। अगर G इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो G के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, H1, H2 and so on, Hi minus 1, Hi plus 1 and so on, Hm, where
एच जे जितने भी ये एच जे आ रहे हैं ये एच जे को बिलोंग करते हैं, जितने भी एच जे हैं, जहाँ पर ये कोई भी जे जो है वो आई के इक्वल नहीं है, जे वेरीज फ्रॉम 1 to m। ये आ गया हमारे पास में। अब आपने n को किस तरह से एक्सप्रेस किया था, p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2 एंड सो ऑन pi अल्फा i एंड सो ऑन pm अल्फा m, इस तरह से एक्सप्रेस करा था इसको। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये जो pi अल्फा i है खाली इसको हटा दीजिए, तो ये आपके पास में क्या आ गया, p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2 एंड सो ऑन pi माइनस 1 अल्फा i माइनस 1, pi प्लस 1 अल्फा i प्लस 1 एंड सो ऑन pm अल्फा m। यहाँ पर आपने क्या करा है, खाली ये जो pi अल्फा i वाली टर्म है उसको हटा दिया, बाकी आगे पीछे और जितनी भी टर्म्स हैं वो वैसे की वैसे ही हैं। सपोज ये जो है वो t के इक्वल है। अब आपके पास में जी टू दी पावर टी जो है वो ई आ जाता है, कैसे, क्योंकि आप जब जी टू दी पावर टी लेते हो तो ये आपके पास में क्या आ जाता है, जी टू दी पावर जी हमारे पास में किस तरह का है, ये इस तरह का एलिमेंट है, तो ये आ जाता है आपके पास में एच वन टू दी पावर पी वन अल्फा वन, और बाकी ये जितनी टर्म्स हम एच वन की ये वाली पावर ले लेते हैं और बाकी टर्म्स जो हैं वो प्रोडक्ट में आ रही हैं। इसी तरह से H2 की पावर जो है वो P2 अल्फा 2 और बाकी जितनी भी पावर्स हैं वो प्रोडक्ट में आ रही हैं। इस तरह से करते करते हम HI माइनस 1 की पावर PI माइनस 1 अल्फा I माइनस 1 ये ले लेते हैं। प्रोसीडिंग लाइक दैट हमें क्या मिल जाएगा, HM की जो पावर है वो मिलेगी PM अल्फा M। ये आ गया हमारे पास में। तो अब ये क्या है, ये हमें मिल रहे हैं सारे के सारे e, ये हमें सभी के सभी e मिल जाते हैं। ये मिल गया e इंटू e इंटू e इंटू कितने टाइम्स, m माइनस 1 टाइम्स, यानी कि ये हमें e मिल रहा है, यही हमने यहां पर लिखा है g टू द पावर t इज इक्वल टू e। अब g टू द पावर t इज इक्वल टू e है, बट g जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, जी बिलोंग करता है एच आई के अंदर भी, तो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो ऑर्डर ऑफ एच आई को डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच आई को। तो इसका मतलब इसको आप सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो ऑर्डर ऑफ एच आई को डिवाइड कर रहा है जो कि है पी आई अल्फा आई की फॉर्म में हमारे पास में। तो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो हमारे पास में आ जाएगा पी आई टू दी पावर बीटा आई, और बीटा जो है बीटा आई वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है लेकिन अल्फा आई से छोटा या उसके बराबर है, मतलब बीटा आई जो है वो 0 और अल्फा आई के बीच में लाया करता है। अब ऑर्डर जो है जी का वो पी आई बीटा आई है और जी टू दी पावर टी इज इक्वल टू ई है, देयरफॉर पी आई बीटा आई डिवाइड किसको करेगा, टी को, जो कि हमारे पास में क्या है, टी हमारे पास में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे टी के अंदर, पी वन अल्फा वन, पी टू अल्फा टू एंड सो ऑन पी आई माइनस वन अल्फा आई माइनस वन, पी आई प्लस वन अल्फा आई प्लस वन एंड सो ऑन पी एम अल्फा एम। ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो पी आई बीटा आई है वो इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर, बट यहाँ पर कहीं पर भी पी आई वाले टर्म है ही नहीं, इसका मतलब कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब होगी, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ बीटा आई इज इक्वल टू जीरो। बीटा आई के जीरो होने का मतलब क्या हुआ, पी टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी टू द पावर जीरो व्हिच इज इक्वल टू 1। तो किस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 1 होता है, वो है हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट, देयरफॉर जी कुछ और नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज कंडीशन 2। तो हमारे पास में जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब हमें प्रूफ करनी है हमारी फर्स्ट कंडीशन, जहां पर हम जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स
subgroups H1, H2 and so on, HN. चलो, first proof करने के लिए हम एक चीज़ assume करते हैं. In order to prove, first हम यहाँ पर consider कर लेते हैं order of H1, H2 and so on. Order of HM. तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हमने ये चीज़ already कर रखी है. Order of H1 into order of H2, H3 and so on HM whole divided by order of H1 intersection H2, H3 and so on HM. ये चीज़ हमने already कर रखी है कि हमारे पास में order of h के जो होता है वो order of h into order of k divided by order of h intersection k होता है. ये आ गया हमारे पास में. अब ये चीज हमने second part अभी proof करी थी second part में कि ये जो है ये एक identity element आ रहा है, इसके यानी कि इसका जो order है वो one हो गया, which is equal to order of h1, order of h2, h3 and so on hm. ये आ गया. वापस से हम यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर. H1 आ गया, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ H2. खाली हम यहाँ पर ये सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट वाली, तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ H3, H4 एंड सो ऑन HM होल डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H2 इंटरसेक्शन H3, H4 एंड सो ऑन HM. अब ये हमारे पास में फिर से हम यहाँ पर सेकंड पार्ट का यूज़ करते हैं तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आता है. इसका मतलब कि इसका ऑर्डर वन हो गया, तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ H1, ऑर्डर ऑफ H2, ऑर्डर ऑफ H3, H4 एंड सो ऑन HM. ये आ जाता है हमारे पास में. अब इसी तरह से बार बार हमारे पास में जब हम प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स लगाएंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ H2, order of H3 and so on order of HM. ये basically हमारे पास में क्या आ रहा है, P1 alpha 1, P2 alpha 2, क्योंकि इसका order P1 alpha 1 है, इसका order P2 alpha 2 है, इसका order P3 alpha 3 है and इसका order PM alpha M है. ये आ गया, ये basically क्या है, N. Therefore, order of H1, H2 and so on, HM जो है, वो N आ रहा है. अब हमें पता है, H1, H2 and so on, HM जो है, वो contain करता है G के अंदर. लेकिन, order दोनों के same है. Order of H1, H2 and so on, HM is equal to order of G. यानि कि हमारे पास में, ये जो product है, H1, H2 to HM, ये हमारे पास में G के इक्वल आ जाता है. और यही हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था. Therefore, G is the IDP of its sylow subgroups HI. तो इस तरह से हमारे पास में G जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाता है अपने साइलो सबग्रुप्स का. और अगर मैं दूसरी वाली स्टेटमेंट को लिखूं तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जी इज आइसोमॉर्फिक टू ईडीपी ऑफ इट्स साइलो सबग्रुप्स. और यही हमें आज के वीडियो में प्रूफ करना था. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे और वो लास्ट थ्योरम रहेगी. उसके बाद में बेसिकली इसके अंदर एक दो थ्योरम्स और हैं जो थोड़ा टाइम लेंगी, इसलिए मैं लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कराने के बाद में ये जो एक दो थ्योरम्स रह गई हैं वो आपको करा दूंगी. पहले मैं ये टॉपिक खत्म होते ही लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उसको थोड़ा सा मैं जल्दी स्टार्ट करूँ. अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोज देखने के लिए लर्न मैथ इजिली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.